चीन के वुहान लैब से निकला कोरोना वायरस मचा रहा है शहर शहर गांव गांव तबाही। चीन से निकला कोरोना एक देश से दूसरा देश मनुष्यों द्वारा पहुंच रहा है। सभी महादेश में देरी से पर चपेट में ले ही लिया। हमारा देश भी हिंदुस्तान को चपेट में ले चुका। शायद हम घरों पर अपने घरों के दरवाजे बंद रखते, हवाई जहाज़ के दरवाजे बंद रखते तो शायद कोरोना हम तक नहीं पहुँच पाता। अब इस ऐसे में हम बात करेंगे कि अल अमान एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्यों का मदद में आगे आना बहुत ही अच्छा और लोगों के लिए सुखद रहा। और हम बात करेंगे मदरसा जामिया फातिमा तुज जोहरा लेल बनात मिर्जाबाड़ी बेतौना प्रांगण में अल अमान एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर इब्राहिम बुखारी के द्वारा गरीबों असहायों विधवाओं में राहत वितरण इसमें सहयोगी के रूप में उप मुखिया नुरुल सहित करीब करीब 15 से 20 लोग लगातार मेहनत करते आ रहे हैं। कोरोना अदृश्य शक्ति से लड़ने के लिए जहां पूर्णिया पुलिस प्रशासन संघर्ष कर रहे हैं वहीं कोरोना योद्धा के रूप में डॉक्टर इब्राहिम बुखारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और रच रहे हैं इतिहास। कोरोना के योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं, संघर्ष विराम नहीं लगा रहे हैं। और अब तक डॉक्टर इब्राहिम के द्वारा कोरोना योद्धा के रूप में कोसी क्षेत्र का बेटा हिंदुस्तान का लाल डॉक्टर इब्राहिम बुखारी का नाम हिंदुस्तान के कल के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। अल अमान एजुकेशनल संस्थान के सभी सदस्य व उप मुखिया नुरुल व उनके देखरेख में सेवा कर रहे लोगों का नाम हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में कोरोना योद्धा के अथवा सिपाही के रूप में लिखा जाएगा। आज के आपदा की इस घड़ी में मानव से मानव सेवा से बढ़कर और कोई सेवा हो ही नहीं सकता। कोसी क्षेत्र के लोग मुख्यतः खेती पर आधारित हैं। मजदूरी तिहाड़ी व तिहाड़ी मजदूर के लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों में अपना गरीबी क्षेत्र है और इसी गरीबी क्षेत्र में अपना संसार रचते हैं, पलते बढ़ते हैं। आपदा के घिरे होने के कारण आजीवन संघर्षशील होते हैं। ऐसे विदेशी महामारी का होना सिर्फ समझ से परे है, परे ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन से परे है। लोग कयास लगाए बैठते हैं कि काश कोई राहत आए जो दो वक्त की रोटी मुयस्सर हो सके। ऐसे में मानवीय चेहरा इंसानियत का मिसाल पेश करते नज़र आ रहे हैं डॉक्टर इब्राहिम बुखारी व उनका सहयोगी उप मुखिया नुरुल सहित सेवा समूह में लगे सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। यहाँ धर्म नहीं देखे जाते हैं, देखे जाते हैं गरीबी व भूखमरी। यही कारण है कि सभी धर्म समुदाय के लोगों में वितरण किया जा रहा है और राहत के रूप में राशन बांटी जा रही है। आज हिंदुस्तान सहित पूरे विश्व में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा काफ़ी बड़ा हो चुका है। कोरोना महामारी का ऐसे में तबाही नहीं तो क्या और तरक्की होगा। गरीब मजदूर मिडिल क्लास कोरोना से नहीं वरन भूख से मारे जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान का पिछड़ा राज्य कहलाने वाला बिहार का शोक कोसी नदी के कारण लगा रहता है। कोसी क्षेत्र में हर वर्ष आपदा। यहाँ के लोग मुख्यतः वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी झेलते आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन का होना, मजदूरी ना मिलना, लोग बिना कोरोना के ही बेमौत मारे जाएंगे। नहीं मिल पा रहा है कोई सरकारी उतनी राशन जितना से कि जीवन को बचाने के लिए चाहिए। ऐसे में एक संस्थान अल अमान एजुकेशनल सोसाइटी का आगे आना, डॉक्टर इब्राहिम बुखारी का राहत बांटना यहाँ पूर्णिया कोसी क्षेत्र या लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। ज्ञात हो अल अमान एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा प्रथम लॉकडाउन से ही लगातार दिन प्रतिदिन राहत सामग्री बांटते चले आ रहे हैं। इनको एक लंबी टीम इस सेवा में कार्य कर रहे हैं, इनके साथ हैं। पूर्णिया जिला कस्बा प्रखंड के मिर्जाबाड़ी गांव में स्थित डॉक्टर इब्राहिम बुखारी व उनका टीम किस प्रकार से काम कर रहे हैं और उप मुखिया नुरुल हक के द्वारा किस प्रकार से काम कराए जाते हैं, राशन किस प्रकार से उचित लाभुकों तक पहुंचाते हैं, आइए देखते हैं। आंखों देखी सच्चाई की तस्वीर। यहाँ के उप मुखिया मोहम्मद नुरुल के देखरेख में सभी टीम के सदस्य सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। हमने बड़े सादगी से पूछा डॉक्टर इब्राहिम बुखारी से, आप कब तक बांटेंगे राहत? तो डॉक्टर बुखारी ने कहा,
जब तक सक्षम है बांटते रहेंगे। हमने पूछा आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो बताया डॉक्टर इब्राहिम बुखारी ने कि मेरे दिल को ठंडक पहुंचता है जब गरीबों के राहत बंटते हैं और गरीबों का घर का चूल्हा जले, इसी से मुझे काफ़ी शांति व सुकून महसूस होता है। डॉक्टर इब्राहिम बुखारी जैसा बड़प्पन सोच बड़ा दिल वाला देश में और कहाँ, ढूंढो पर नहीं मिलेंगे। पूर्णिया जिला का सौभाग्य कहें या देश का सौभाग्य, जो ऐसे समाज सेवी छोटा सा गांव में रहकर जिले के प्रखंडों को गरीबों का दुख दूर करने हेतु प्रयासरत हैं। डॉक्टर इब्राहिम की काबिलियत वाकई में काबिले तारीफ है। तारीखें बदलेंगे, समय बदलेंगे, लोग बदल जाएंगे, पर याद रखे जाएंगे उन लोगों का नाम जो मानवता का मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसे में डॉक्टर इब्राहिम बुखारी का नाम सबसे ऊंचे स्थान पर रखकर लोग हमेशा याद रखेंगे, लोगों के दिल में हमेशा बने रहेंगे डॉक्टर इब्राहिम बुखारी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखों देखी। गरीब से गरीब आदमी का लिस्ट आया, नाम आया। अच्छा, तो आप गरीबों का नाम चुन करके लिस्ट में बनाते हैं? जी, जी। ये लिस्ट कैसे बनता है? ये लिस्ट उनका घर जाते हैं। अच्छा, घर जाते घर का उसका स्थिति परिस्थिति देख करके जी दो चार आदमी को भी पूछते हैं कि इसका परिस्थिति क्या है। हाँ। उसके बाद उसका नाम एंट्री करते हैं। हाँ। एंट्री करने के बाद उसको बुला करके फिर उसको सामान। अच्छा, इसके लिए आप खुद जाते हैं या फिर और कोई जाते हैं? हम भी जाते हैं। हाँ, प्लस दूसरे लोगों को भी भेजते हैं। किन किन प्रखंडों में आप जाते हैं? ये तो मेरा मोहनी पंचायत पूरे में गए हैं लगभग। ये तो कस्बा प्रखंड हो गया। जी, कस्बा प्रखंड के तो लोग आ ही रहे हैं, के नगर के आ रहे हैं, जलालगढ़ तरफ से आ रहे हैं। क्या आप वहाँ जा करके? वहाँ से जा करके तो नहीं गए हैं। हाँ। लेकिन वहाँ पे दो चार आदमी को बोले हैं उस तरह से। अच्छा, ताकि वो बिल्कुल परफेक्ट जो सबसे कमजोर आदमी और लाचार बेसहारा और मसूमत आदमी है, आप थोड़ा सा बात करेंगे? जी बिल्कुल। हम भी थोड़ा सा उन तस्वीरों को भी दिखाना चाहेंगे जहां आपके कार्यकर्ता लोग लाला करके बोरिया रख रहे हैं। आप हमें बताइए कि आप पहले से लोगों के बीच जा करके उनका डाटा इकट्ठा करते हैं कि किनकी हालत ज़्यादा ख़राब है, फिर उस हिसाब से आप राशन पानी ला रहे हैं? जी 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 जी, उसी हिसाब से हम लेकर आते हैं, ला करके फिर अपना यहाँ पर पैकेट करते हैं। दस पंद्रह आदमी मेरा काज करता है, उसको ला करके फिर एक इकट्ठा में करते हैं, ला के यहाँ पर पैकेट बनाते हैं। पैकेट बना करके तब फिर बाद में उसको बुलाया जाता है। बुलाने के बाद तब वितरण करते हैं अलग अलग करके। सब वितरण में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करवा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं पूरा दूरी बनाए हुए हैं लगभग। जी जी, तो आप अपना थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे, क्योंकि शुरू से ही देख रहे हैं आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ये मेरा नाम मोहम्मद मसूद आलम है जी, और ये अलामान एजुकेशन सोसाइटी के मैं एक काज करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया, और कहीं ना कहीं देश में आपका बड़ी भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके ओके। इस वक्त हम मौजूद हैं कस्बा के मिर्जाबाड़ी में। ये अलामान एजुकेशन संस्थान के द्वारा जो राशन बांटी जा रही है, जिसके प्रोपराइटर डॉक्टर इब्राहिम बुखारी साहब हैं। और हम यहाँ तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ कई एक बोरियाँ रखी हुई है, और आज का सामान लगभग पैक हो चुका है, तो ये बोरियाँ बची हैं। क्योंकि प्रतिदिन यहाँ मंडी से सामान मंगाए जा रहे हैं, चूँकि हम पहले ही बता चुके हैं पहले ही दिन कि इन्होंने बताया कि जब तक हमारे पास जिंदगी भर की कमाई हुई जो भी सिक्के हैं मैं गरीबों में दान कर दूँगा। तो ये भंडारा है, ये भंडारा कमरा है। इसमें ये चावल की बोरियां हैं, और ये दाल की पैकेट है, और ये मूढ़ी की बोरियां हैं, और वहाँ चीनी की गई है। और आज पूरा कमरा खाली हो चुका है, और आप देखिए कि अंतिम परिप्रेक्ष्य में यहाँ आलू भरा जा रहा है और चावल भरे जा रहे हैं, बोरा पैक किया जा रहा है। ये बोरा भर चुका है चावल जी, ये बोरा भर चुका है। इसको कहाँ रखते हैं? बाहर ले चलिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं, तेल की बोतल डाल रहे हैं, और किचन का लगभग सामान यहाँ डाला जा रहा है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि यहाँ प्रतिदिन इस भंडारे को भरा जाता है, और फिर यहाँ समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा इसको फिर खाली कर दिया जाता है, छोटे छोटे पैकेट में बंद करते हैं। यहाँ मुखिया जी खड़े हैं, मुखिया जी के देखरेख में इस काम को किया जा रहा है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो सके और समाज के लोगों का भी मुख्य रूप से योगदान रहे। यहाँ हम कुछ तस्वीरें यहाँ की दिखाना चाहेंगे, जहाँ आलू और प्याज की, ये प्याज क्या है, ये प्याज है, थोड़ा खोलिएगा, ये प्याज की बोरियाँ हैं। तो आज के लिए आप लोग प्याज पैक कर चुके हैं ना जी? एक बोरी में कितना केजी प्याज आता होगा? 2.5 केजी। 50 केजी। 50 केजी का है। और यहाँ छोटा छोटा आलू का पैकेट है। अब हम थोड़ा सा बाहर की तरफ चलना चाहेंगे।
अब हम बाहर का चुका है। हाँ, बाहर की तरफ चलना चाहेंगे। ये आज के सारे सामान हैं, चाहेंगे कि यहाँ पर कदम रखने का भी जगह नहीं है। ये महज 10 फुट का, ये 10 फुट का पैसेज है, और 10 फुट के पैसेज पर आप देखें वहाँ से लेकर के यहाँ सारे सामान रखे हुए हैं। लगभग सैकड़ों लोगों में ये राशन बांटे जाने हैं। अभी इतने सारी बोरियाँ यहाँ रखी हुई हैं, इतने सारे पैकेट रखे हुए हैं, और अंदर में पैकिंग चल रहा है। तो इस स्थिति में ये हम कहना चाहेंगे कि आपदा की इस घड़ी में लोग इस राशन को पाकर कितने खुश होते हैं, और उनके और कहीं ना कहीं इनको भी बहुत गौरवान्वित महसूस होता होगा। तो हम यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप जब देते हैं लोगों को तो आपको कैसा महसूस होता है, क्योंकि आपसे हर तरह की बातें हुई है, लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि आप क्या अनुभव करते हैं लोगों को देते समय। देने के बाद बहुत खुशी महसूस करते हैं जी। इतना गरीब लोगों को और इतना मजदूरों को जी, और इतना जो जिसके पास कुछ अनाज नहीं है जी, तो अंदर बहुत खुशी होती आपको है। बहुत खुशी, हाँ, बहुत खुशी होती है देने के। वही तो असल चीज है जी, कि देने के बाद आदमी खुश हो, खुशी है इसलिए तो दे रहे हैं। आप अपना पूरा चेहरा दिखाना चाहेंगे? ठीक है, नहीं, पूरा चेहरा इसीलिए दिखाना चाहेंगे कि इस चेहरा को बहुत सारे लोग देखना भी चाहते हैं, इसीलिए कि आप दोनों हाथ से अपने जीवन की कमाई हुई संपत्ति लोगों में दान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, रमजान से संबंधित आप कुछ कहना चाहेंगे कि रोजा में लोग क्या करें, चूँकि अलविदा का भी समय आ रहा है, चूँकि इस बारे में आपसे पिछले दिन भी पूछे थे, लेकिन उतना हमको संतोषजनक नहीं, आप बताएं कि क्या करें वगैरह के सिलसिले में। अभी वो ये भी नहीं है, सब अभी वक्त भी नहीं है, इसलिए उस सिलसिले में नहीं। लोग ईद मनाए या नहीं मनाए, अगर लॉकडाउन रहेगा तो अपने घर ही में मना लेगा, अपने घर ही पर मनाएंगे, लेकिन सामूहिक रूप से जमा नहीं होंगे। हमसे बात करने के लिए इस्लाम कोई नहीं सिखाता, इस्लाम में एक कायदा है, ला जरारा वाला जरा, ना खुद नुकसान उठाए ना किसी को, दूसरे को नुकसान दे। ये बहुत बड़ा कायदा है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लेकिन पिछले दिनों यहाँ मुखिया जी हैं हमारे, तो मुखिया जी से अब हम सवाल पूछना चाहेंगे कि चूँकि डॉक्टर साहब तो दान स्वरूप निकाल करके सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिदिन आप यहाँ रह रहे हैं और यहाँ वितरण का कार्य भी करा रहे हैं, तो आप हमें बताना चाहेंगे कि इस काम को आप किस प्रकार से कर रहे हैं, चूँकि प्रतिदिन सैकड़ों लोगों में राशन बांटना ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। थोड़ा सा चेहरा दिखाना चाहेंगे? ये हम भी अपनी सेवा की भावना से भी सहयोग कर रहे हैं डॉक्टर साहब का जी। आप डॉक्टर साहब का सेवा कर रहे हैं या उन गरीबों का? जो गरीब, बिल्कुल बिल्कुल, आपके दिल की बात हो सकता है कि जो गरीब लोग हैं, मुसलमान लोग हैं, हम सहयोग कर रहे हैं कि जो जन्मीन है, जिसको जो रियली भुखमरी का शिकार है, उनको मिलना चाहिए। हम यही चीज डॉक्टर साहब को सुझाव दे रहे हैं और यही कहना चाहेंगे कि जब से लॉकडाउन हुआ 2 महीना से, तकरीबन अभी तक 2000 से ऊपर लोगों को वितरण कर चुके हैं, हर 2-3 दिन पर 200-300 लोगों को वितरण कर चुके हैं। और साथ साथ एक बात और कहना चाहूंगा, जितने लोग गैर मुस्लिम को दे रहे हैं उतने लोग जो है मुस्लिम को दे रहे हैं, बस गरीब होना चाहिए। पंचायत में यहाँ जनसंख्या भी लगभग दोनों का बराबर ही है, और दोनों को बराबर मिला के दे रहे हैं, जो धन्यवाद का पात्र है। हम इस ग्राम पंचायत के आवाम की तरफ से, पूरा कस्बा की तरफ से, मैं डॉक्टर इब्राहिम मदनी साहब को जो है धन्यवाद देना चाहूंगा। अल्लाह ताला इनको और ज्यादा से ज्यादा नवाजे, ताकि इस तरह गरीबों में बिल्कुल कर दे रहे। और साथ ही समाज को भी ऐसे लोगों का सहयोग करना चाहिए, कंधे पर कंधे मिलाकर जो है काम करना चाहिए। तो आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं मोहम्मद नूरुल हक, उप मुख्य ग्राम पंचायत मोहनी, सतवार सदस्य संघ, जिला उपाध्यक्ष पूर्णिया। आप यहाँ की जनता से कुछ कहना चाहेंगे, पूर्णिया की जनता से या देश की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? पूर्णिया की जनता से क्या, जो पैसे वाले लोग हैं, जो अमीर हैं, जो सुखी संपन्न लोग हैं, मैं पूरा देश की जनता से निवेदन करूंगा कि जो जिस जगह में है अपने अपने क्षेत्र के लोगों को, उनको मदद करना चाहिए। ये बहुत ही 1943 के बाद जो है ये सबसे बड़ी भुखमरी का शिकार लोग हो रहे हैं। लोग पैदल सैकड़ों हजारों किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, दाने दाने पर मोहताज है। जो जिस जगह में हो, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी राज्य के कोने में हो, जिले में हो, कस्बा में हो, सबको मदद करना चाहिए। जो भी अमीर है उसको, गरीब को मदद करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का सेवा करना ही है। साथ में मैं इस ईद के मौसम में भी एक चीज कहना चाहूंगा, जो धर्म गुरु है उसका बात को मानना चाहिए। शरीयत के मुताबिक भी आज से 1400 साल पहले हमारे नबी साहब फरमा के गए हैं कि जहाँ पे कोई वैसा छुआछूत वायरस वाला बीमारी हो, अगर आप जहाँ है वहाँ सुरक्षित रहिए, और जहाँ छुआछूत वाला बीमारी वहाँ आप मत जाइए। इस चीज को अमल हमारे अभी जितना भी देश के मुसलमानों को करना चाहिए कि खुद सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित करे, और शरीयत को माने। जो धर्मगुरु बोल रहे हैं ईद का कपड़ा खरीदने आप मत जाइए, क्योंकि आप पर खुद कुछ ना कुछ दाग लग रहा है, ऐसे में आप बचे। कुछ मीडिया वाले जो है हमेशा वो भी सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको मौका मत दीजिए। कपड़ा मत खरीदिए, पुराने कपड़े में ही आप घर में आप पर्व कीजिए। मैं यही कहना चाहूँगा।
चलिए, यहाँ मुखिया जी बहुत बड़ी बात कह गए कि आप कपड़े खरीदेंगे या ईद की खुशियाँ मनाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं चील की तरह गिद्ध की निगाहें मुसलमानों पर है और कहीं ना कहीं मीडिया में आ जाएगा ये चीज़ कि मुसलमान फैला। तो मुखिया जी की बातें से मैं 90% सहमत हूँ। डॉक्टर इब्राहिम बुखारी साहब खुद यहाँ कह रहे हैं कि ईद की खुशी के बजाय लोगों तक खुशी पहुंचाएं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यहाँ नूरुल उप मुखिया जी जो बताए वो अपने आप में गरिमापूर्ण और बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जो सबसे बड़ी बात कि यहाँ डॉक्टर इब्राहिम बुखारी सहित नूरुल मुखिया जी सहित यहाँ पर जितने भी लोग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और कहीं ना कहीं देश हित में इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और आने वाले इतिहास एक ऐतिहासिक पन्नों में लिखे जाने वाले ये नाम है, ये चेहरे हैं जो कल के भविष्य में आने वाले समय में लोग कहेंगे कि इस आपदा की घड़ी में किन किन लोगों ने लोगों तक राहत राशन और हर प्रकार से मदद पहुंचाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट आपको दे। गरीबों के घरों तक एवं उनके गरीबों के चूल्हा तक जाने के लिए तैयार है राशन। और आप देखिए इन तस्वीरों में कि ये राशन की बोरियां तैयार है गरीबों के घर तक जाने के लिए। और यहाँ जो लोग खड़े हैं ये लाभुक नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर इब्राहिम बुखारी का पूरी तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, निःशुल्क निःस्वार्थ सेवा कर रहे हैं गरीबों के लिए। ये हैं यहाँ जितने सारे लोग हैं, ये वो कार्यकर्ता हैं जो मंडी से सामान को लाकर यहाँ स्टोर में रख कर फिर उसका एक एक कर पैकिंग कर नापी कर पैकिंग कर फिर हिसाब रखते हैं और फिर उस हिसाब से ले जाकर पहुँचाते हैं। क्या आप रोजे से हैं? जी रोजे से। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल जब्बार। थोड़ा सा चेहरा दिखाना चाहेंगे? अब्दुल जब्बार जी आप रोजे से हैं और ये काम कब से चल रहा है? जब से लॉकडाउन लगा। नहीं, आज कितने बजे से चल रहा है? आज 4 बजे। आज 4 बजे से आप लगे हुए हैं। आप थक जाते होंगे, भूख लगता होगा, प्यास लगता होगा, तो आप क्या करते हैं? वो प्यास में लगकर भी हम चाहते हैं कि लोगों का सेवा करें और मन धन से लगे रहें और डॉक्टर साहब का हम लोग साथ दे ताकि ये काम आगे बढ़ पाए। कितनी बड़ी बात है, एक कार्यकर्ता बता रहे हैं कि इनके अंदर काम करने की जोश इतनी है कि इनकी भूख प्यास रमजान में भी इनकी भूख प्यास है ही नहीं, ये बता रहे हैं कि इनको सेवा करने में बहुत अच्छा लग रहा है। जबकि ये सुबह 4 बजे सेहरी के बाद से, सेहरी उस वक्त को कहते हैं प्रातःकालीन का भोजन, प्रातःकालीन 3 बजे का बाद भोजन जो 3:30 बजे तक ही भोजन करते हैं, उस भोजन के बाद से लगातार काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको प्यास लगी है, भूख लगी है, लेकिन इनको काम करने की जोश इतनी है कि ये थके बिना हारे लॉकडाउन के प्रथम दिन से ही आ रहे हैं। तो आपका क्या नाम हुआ बता रहे हैं? मेरा नाम मुजाहिदुल इस्लाम। मुजाहिदुल इस्लाम जी बताना चाहेंगे कि आप भी क्या रोजे से हैं? जी मैं भी। आप रोजे से हैं और सुबह से आप कब से काम कर रहे हैं? 4 बजे से। सुबह 4 बजे से कर रहे हैं। अभी समय कितना बजता होगा कोई बता सकते हैं? 11:30। अभी 11:30 बज रहा है, 4 बजे से 11:30 बज रहा है, तो ये करीब 12 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका जी। तो आप बताना चाहेंगे कि आपको क्या भूख प्यास लगी है? रोजे में है, भूख प्यास लगती है। अभी लगी है? तो आप किस प्रकार से इसको बर्दाश्त कर ले रहे हैं? ये एक दिन की बात नहीं है, आप शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं। हमारा ये शौक है कि गरीबों को ये जी हमारा ये शौक है कि गरीबों तक ये पहुंचाया जाए जी, इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं। चेहरा साफ नहीं। हाँ आप फिर से बताइए। हमारा ये शौक है कि हम मेहनत करके ये सब राशन गरीबों तक पहुंच जाए, इसलिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं दिन रात। हम बताना चाहेंगे कि इनके काम करने की जज्बा इतनी है कि इनके भूख और प्यास आत्मसमर्पण कर चुके हैं, क्योंकि इनको काम करने का जज्बा इतना है और गरीबों का दुख इनके अपने दुख से कहीं ज्यादा महसूस होता होगा। क्या नाम है आपका? एमडी मिकाइल। क्या आप भी रोजे से हैं? जी। आप तो बच्चे हैं अभी जी। फिर भी रोजे से हैं जी। और कब से आप काम कर रहे हैं अभी? सुबह से 4 बजे से। सुबह 4 बजे से काम कर रहे हैं। मिकाइल जी हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ 4 बजे से मिकाइल जी काम कर रहे हैं और यहाँ आप बताएंगे अपने क्या नाम हुआ आपका? तनवीर आलम। आप भी 4 बजे से काम कर रहे हैं, तो इनके जज्बा को सलाम। ये किस प्रकार से गंजी और टी शर्ट में काम कर रहे हैं और लगातार इनकी मेहनत इनके जज्बात के आगे ये थकावट और भूख प्यास कुछ भी नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? सऊद आलम।
सऊद आलम, आप भी 4 बजे से काम कर रहे हैं, अभी जब तक बटाई होगा तब तक आप रहेंगे। ये बोझा सब कौन, आप ही लोग उठा रहे हैं? जी हम लोग उठा के गरीब लोग। आप जो लोग कार्य करता है वही लोग इस बोझा को उठा रहे हैं जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये पैकिंग भी कर रहे हैं और फिर एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण भी कर रहे हैं और बिछा रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से दूरियां बनाई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से दूरियां बनाई गई है ताकि कोई एक दूसरे से सटे नहीं और लोग आराम से यहाँ से उठा कर ले जा सकें। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल रहमान जी, आप भी सुबह 4 बजे से काम? सुबह 4 बजे से सब पैक कर रहे हैं। आप रोजे से हैं? जी सर। अच्छा रोजे से हैं तो आपको भूख प्यास थोड़ा सा चेहरा दिखाना चाहेंगे? भूख प्यास तो बहुत लगता है लेकिन मतलब कि भूख प्यास को रख के आदमी का सेवा करने के लिए कहीं ना कहीं इनका सेवा करने का जज्बा इतनी है कि भूख प्यास छोटा पड़ जा रहा है। आपका क्या नाम है? अली मुद्दीन जी। आप कब से काम कर रहे हैं? 4 बजे। सुबह 4 बजे से कर रहे हैं। अच्छा और आप रोजे से हैं? बिल्कुल रोजे से हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है काम? मुझे महसूस होता है डॉक्टर इब्राहिम जी जी, थोड़ा जोर से बोलेंगे। वो इस जगह पे है तो बड़े आदमी हैं जी, तो उनके तरफ से साहब के तरफ से एक बांटने का, उन्हें बांटना है लेकिन कैसे बांटा जाए, कहीं ना कहीं उनके साथ ये सहयोगी हैं और इनको काफ़ी खुशी होती है ऐसा काम करने में और इनकी खुशी इतनी है कि इनको क्या दुख है, रोजे से हैं भूखे प्यासे हैं, वो दुख गायब हो जा रहा है। ये गरीबों की देने की खुशी। हम दर्शकों से भी हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप अगर हमें देख रहे हैं, आप थोड़ी थोड़ी गरीबों को देखकर देखें, आपको आत्मा से बहुत ही खुशी मिलेगा और आपको बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अजहर। रोजे से हैं? क्या उम्र होता होगा आपका? 50 साल। अच्छा ये बोरा सिर्फ आप अपने से उठा रहे हैं? ओहो, तो आपको भूख प्यास नहीं लगता होगा? भूख प्यास लगने से आदमी का सेवा करने से बढ़िया होता है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि भूख प्यास से बेहतर है कि लोगों का सेवा किया जाए। और यहाँ लास्ट में हम अंतिम परिपक्व दिखाना चाहेंगे, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। क्या नाम हुआ आपका? वहीदुलजमा। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हिफ्ज में पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? बनेली में आप पढ़ रहे हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? पैकिंग कर रहे हैं। आलू प्याज ये सब छोटा छोटा सब भर रहे हैं। अब्दुल, क्या नाम बताए? वाहिदुजमा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप मेहनत करें। आपका क्या नाम है? कौसर आजम। कौसर आजम जी, आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? उचितपुर। अच्छा उचितपुर में आप पढ़ रहे हैं। किस क्लास में हैं? हिफ्ज़ में। अच्छा हिफ्ज में हैं। ये सब काम भी आप कर रहे हैं जी? क्या सब कर रहे हैं? ये सब आलू प्याज भर रहे हैं। आलू प्याज तेल यही सब भर रहे हैं, कितनी बड़ी बात। अच्छा क्या आप लोग रोजे से हैं? जी। रोजे से क्यों हैं? आप छोटे हैं, आपको तो रोजे नहीं रहना चाहिए जी। आपको तो रोजा नहीं रहना चाहिए, आप तो छोटे हैं अभी। आपको तो रोजा नहीं रहना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। आप छोटे हैं अभी, खाइए पीजिए। ये सब बांट रहे हैं, इसके बाद जाके आराम से खाइए पीजिए। इस कड़क की धूप में आप बांट भी रहे हैं और रोजा भी रखिएगा, ये अच्छा नहीं, क्योंकि आप रोजे रखने के लिए आपके पास बहुत उम्र है और बड़े लोगों को रखनी चाहिए। अभी आप बहुत बच्चे हैं, आप भी रोजे से हैं? हाँ। बहुत अच्छा, आप खाइए पीजिए, मस्त रहिए, गरीबों का सेवा के लिए खूब आगे बढ़िए, लेकिन खाइए पीजिए। आपकी उम्र आएगी फिर आप रखेंगे रोजे, अभी आपको रोजा नहीं रखना है। चलिए ठीक। क्या नाम हुआ? कहाँ से आ रहे हैं? मोहनी से। तो आप क्या करते हैं ऐसे जब लॉकडाउन नहीं रहता है? घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। अच्छा क्या, कितने बच्चे हैं आपके? 5। 5 बच्चे हैं। अच्छा आप क्या करते हैं? इधर उधर काम करते हैं, जुगाड़ी का काम करते हैं। प्रतिदिन कितना कमा लेते थे जब लॉकडाउन नहीं था? जब लॉकडाउन नहीं था तो वही 350 350 रुपया कमा रहे थे। अभी कब से बैठे हुए हैं आप? अभी हो गया 2 महीना। 2 महीना से बैठे हुए हैं। ठीक, राजेश जी बात करने में बहुत धन्यवाद। आगे जी, आज के मन में ऐसा कैसा, कैसे ख्याल आया इस लॉकडाउन में आपने लोगों के बीच, क्या क्या बीत रहा? ये आज का नहीं है, ये तो जब से लॉकडाउन हुआ है तभी से हम लोग ये काम कर रहे हैं सोसाइटी की जानब से, अलामान एजुकेशनल सोसाइटी। ये महामारी चल रही है पूरी दुनिया में, इसमें गरीब तबका के जो लोग हैं, खास करके मजदूर तबके के लोग बहुत परेशान हैं। इतना दिन में तो पता नहीं चला था शुरू में, लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद इतना ना पता चल रहा है अभी लोगों की हाजत और लोगों की मोहताज। तो शुरू ही से ये हम लोग करते आ रहे हैं और अभी तक चल रहा है, और जब तक इरादा किया है कि जब तक लॉकडाउन रहेगा ये काम चलता रहेगा। और हम लोग अनाज में भी कमी नहीं देते हैं, देख रहे हैं कि तकरीबन 25-25 किलो का हर तरह का हम लोगों ने अनाज इसमें डाला है, चावल है,
मुढ़ी है, चना है, दाल है, आलू है, प्याज है, तेल है, चीनी है, सरफ भी है, यानी जरूरत के चीज़ ने सब उसमें डाल दिया है। जी जी हाँ, 25 किलो का एक किट है जो घर में जा करके कम से कम वो कुछ दिन तक वो इत्मीनान से वो चल सके। ये तो पहले, ये तो पांचवा मरतबा है। ये तो जो जमात से जो हम लोग लिख करके सर्वेक्षण करके लिख करके जिन लोगों को देते हैं वो इस तरह से हैं। अब जो बगैर लिखे हुए जाता है, जो डेली 10-15 करके आता है, वो लोग को बहुत ही निहायत गरीब जो घर से निकलने पर मजबूर कर रहा है, वो लोग तो डेली में आता है वो लेके जाता है। और जो बगैर इसका है, जो मोहताज, जो शर्म की वजह से नहीं आ पाते हैं, फिर भी उन लोगों का हम लोग नाम लिख करके उन लोगों को देते हैं। इधर भी माल दौलत के लोगों के लिए भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आखिर माल दौलत किस दिन के लिए है। अगर हम गरीबों का अगर इस महामारी में अगर फ़ायदा ना पहुँचा सकें तो ये माल किसके लिए है और कब तक रहेगा? किसी के तो लिए नहीं, हम अगर मर जाएंगे तो माल किसके लिए रहेगा? इस्लाम में क्या कहते हैं? इस्लाम में तो हर वक्त इसमें तो मसावात है कि खुद जियो, दूसरे को भी जीने का हक दो। इसमें तो एक हिस्सा भी मुतय्यन करके रखा है इस्लाम ने, जो ज़कात के नाम से है, जो ख़ास करके गरीब फ़कीर वो 8 तरह के तबके के लोग, 8 किस्म के लोगों को वो दिया जाता है। जो ज़कात निकालने पर उसका माल ही पवित्र या पाक नहीं होगा तो ज़कात ज़रूरी है, जो कि गरीब ही के लिए निकाला जाता है उसको देने के लिए। और ज़कात के अलावा सदका भी, सदका पर कितना परसेंट कुल धन का? कुल धन का 2.5% उसको निकालना। किन किन चीज़ों का ज़कात निकालेंगे? ये तो जो गल्ला जाते हैं, गल्ला का वही शुरू या निष्पो शुरू उसको कहा जाता है, जिसको निकाला जाता है 20 हिस्से का, एक सोना चांदी है, कोई चीज़ है, अगर 85 ग्राम सोने के बराबर आपके पास धन रखा हुआ है, एक साल गुजर गया है, तो उसके आपको 2.5% पैसा साल में आपको निकलना पड़ेगा साल पूरा हो जाने के बाद। तो खास कर इस को लेके रमज़ान का ही महीना चुना गया है इस्लाम में? नहीं, रमज़ान का महीना कोई खास नहीं है, गैर रमज़ान में भी दे सकता है, हाजत के हिसाब से रमज़ान से पहले भी निकल सकता है, बाद में भी निकल सकता है, या साल नहीं पूरा है निकलने वाला है, अगर पहले ही उसकी ज़रूरत महसूस हो रही है तो पहले ही निकाल करके लोगों को दे सकता है। जी, तो आज आपने कहाँ वितरण किया और कितने लोगों को दिया है? बहुत सारे जगह से, इससे पहले भी कुठी घाट से आए थे, गड़बनेली जड़ालगढ़ से आए थे, आज भी बहुत दूर दूर से आए हैं। आज तो डगरवा बैसी तरफ, डगरवा के इलाके, बरसोनी के इलाके से कुछ आए हैं, कुछ बेगमपुर के इलाके से आए हैं, कुछ कुठी घाट के भी हैं और हमारे पंचायत के भी अक्सर लोग हैं। और इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम सब बराबर हैं, इधर भी एक लाइन गैर मुस्लिम तो एक लाइन मुस्लिम है, उधर भी एक लाइन मुस्लिम तो एक लाइन गैर मुस्लिम है, बिल्कुल बराबर तरीके से सबको देख करके सबको मदद की जाती है ताकि सब जिए और सब खुश रहे और इस महामारी में सब कोई कामयाब हो सके। आपने आप देख रहे हैं आंखों देखी।